गलत डिसीजन की वजह से मेरी बहन की जान मरते मरते जान बची मेरी बहन की। हेलो गाइस, वेलकम बैक, मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज एक हकीकत बारे में बोलने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। हम भाई बहन चारों में से मेरी बहन का नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन वो केयरलेस ज़्यादा थी। वो पढ़ाई में उसको मतलब दिल ही नहीं था। हमेशा जब भी देखो वो भजी करना, गप्पे लड़ाना, मौज मस्ती करना, यही उसको पसंद थी। मैं उसको हमेशा बोलती थी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे जाके कुछ करना है। मुझे मालूम थी मतलब लड़की का ज़िंदगी अगर विदाउट इनकम में कितना मुश्किल है, कितना रेस्पेक्ट करते लोग, मुझे अच्छे से मालूम है। इसलिए मैं बोल रही थी तुम पढ़ लिख के कुछ करो, मैं तो कुछ कर नहीं पाई, तुम पढ़ लिख के एटलीस्ट कुछ बन जाओ। लेकिन मेरी बात वो नहीं सुनती थी, क्योंकि घर में वो सबसे छोटी थी, वो ज़्यादा केयरलेस थी। ऐसे करके वो टेंथ के रिजल्ट फाइनली आ गया, वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो हायर फर्स्ट क्लास का मार्क था उसको, लेकिन वो मैथ में फेल हो गई थी। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था और मैं कुछ नहीं बोली, उसको बात भी नहीं की। उससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा पिटाई करती थी उसको, मतलब वो बहुत ज़्यादा चीट करती थी पढ़ाई में। वो ऐसे ड्रामा करती थी, मतलब पकड़ के बुक ऐसे सो जाती थी, ऐसे अंदाज में मानो वो पढ़ाई कर रहा है, कोई भी उसको पकड़ नहीं पाएगा, मतलब वो सो रहा है भी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मैं जानती थी वो कैसे ड्रामेबाज है। मैं उठ के उसको जम के पिटाई करती थी, बहुत पिटाई करती थी, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। जब भी मैं उसके जान के पीछे पड़ी रहती थी, पढ़ाई करो, पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन वो सुनती नहीं थी। बहुत कम टाइम पढ़ती थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मार्क आता था। मैं चाहती थी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे और बहुत ज़्यादा मार्क लेके आए, लेकिन वो उसके लिए मतलब वो तैयार नहीं थी। पर घर के बाजू में एक लड़की थी, उससे वो एक साल बड़ी थी, दोनों का फ्रेंडशिप अच्छा था। वो लड़की वो टेंथ के बाद से उसके घर वाले उसकी पढ़ाई रुकवा दिए। वो ऐसे घर के काम सभी करती थी, मतलब गाय का गोबर निकालना, घर का काम करना, यही उसका काम था। लेकिन उसका दिल जो था हम आगे कुछ बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इधर तो नहीं रहेंगे, उसको ऐसा ही मतलब मेंटालिटी था। लेकिन वो डिप्रेस में रहती थी, क्योंकि वो जो सोच रही थी ना, वो उसका उल्टा उसको हो रहा था। घर में बहुत डिप्रेशन में वो थी। मेरी बहन जाके उसको बोली मैं तो ऐसे फेल हो गया, वो लड़की का है ना वो सब्जी का खेत करते हैं, वो खेती करते हैं वो लोग, बोले तुम्हारा जो सब्जी में जो डालते हो ना जहर, वो पॉइजन मुझे थोड़ा दे दो, मैं खा के मर जाती हूँ। मैं बोली नहीं नहीं तुम्हारे घर वाले गाली देंगे, मालूम पड़ेगा तो। मेरी बहन बोली किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम दे दो हमको, जिंदा रह के क्या करेंगे, घर वाले जो बोल रहे थे वही हो गया, हमारे खानदान में मतलब कोई फेल नहीं हुआ, हमको बड़ी शर्म आ रही है, ऐसे बोल के उसको मोटिवेट कर लिया। बोला हमें क्या मिलेगा, वो लड़की बोली, बोले वो तो मेरी बहन ऐसे कान में चार पांच ऐसे रिंग पहनी हुई थी बोहल हल करके, बोली हम सर के सर तुमको दे देंगे। बोले तुम्हारे घर वालों को मालूम पड़ेगा तो वो ले जाएंगे। बोले कैसे मालूम पड़ेगा, हम तो नहीं बोलेंगे, हम तुम दोगे जहर हम खा के मर जाएंगे, तो किसी को कान कान मतलब खबर नहीं होगा, सब सोचेंगे शायद वो जेवर किधर रख दिया, किधर गिरा दिया, बेच के कुछ कर लिया, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। बोली वो तुम्हारा ड्रेस, हाँ ड्रेस भी सब कुछ तुम ले लेना, वो ड्रेस क्या करेंगे, मैं तो घर में छोटी हूँ, बहुत सारे ड्रेस है मेरे, वो घर वाले ऐसे फेंक देंगे, तुम ले लेना, बोल के ले लेना, वो दे देंगे आराम से। वो भी मेरी बहन से मतलब एक साल बड़ी थी, ज़्यादा तो बड़ी नहीं थी, मतलब दोनों का माइंड मेच्योर नहीं हुआ था, हम उसको गलत नहीं बोल सकते, दोनों मतलब किसी का माइंड मेच्योर नहीं था। ऐसे करके वो दे दिया, वो बैंगन में डालते ही एक वायलेट कलर का पॉइजन आता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, वही वाला वो दिया था। देने के बाद मेरे बहन खा ली, खाने के बाद तो वो सडन से सीरियस हो गया। होने के बाद मेरी मम्मी बोली क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे बोलते बोलते वो सीरियस हो गई, वोमिट करने लगी, वो मैल आ रहा था चारों तरफ से। मेरी मम्मी बोली पॉइजन खा लिया क्या, वो ऐसे रोने लगी, रोने लगी, कुछ बोली नहीं, लेकिन किधर से लाया, हमारे घर में तो मतलब जहर वगैरह कुछ भी नहीं है, किधर से लाया किधर से लाया, बोलते बोलते वो मतलब चुप हो गई, बेहोशी जैसा हो गई। उसको हॉस्पिटल हम लिए, लेने के बाद उसको पाइप वगैरह डाल के वो जहर निकालते हैं ना, कैसे मैं तो नहीं गई थी, वो मुँह में डाल के इधर तक स्टोमक तक डालते हैं पाइप, उसके बाद कैसे करके वो निकालते हैं, वो मतलब वो मौत जैसा वो तकलीफ होता है वो टाइम में। बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरी बहन कि मुझे मार दो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। वो निकल उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत सारा चार पांच लोग उसको पकड़ के मतलब वो पाइप डाल रहे थे।
बहुत ज़्यादा तकलीफ की टाइम है वो, मेरे घर वालों को देखने को नहीं हो रहा था, मैं घर में थी। फिर ऐसे 2-3 दिन के बाद वो थोड़ा कम होने लगी, डॉक्टर बोले उसको घर ले जाओ, वो अभी ठीक हो जाएगी। मेरे घर वाले बोले तो ठीक तो नहीं लग रहा है हमको, बोले वो मतलब पॉइजन का असर तो अभी रहेगा, बहुत दिन तक रहेगा, वो फाइनली अभी मरेगी नहीं, घर ले जाओ, वो ठीक हो गई। उसके बाद मेरे घर वाले उसको लेके आ गए। हम जैसे हालत में उसको देखे थे वो घर से गया था, उससे बदतर हालत उसकी हो गई थी जब वापस आ रहा था, मतलब हॉस्पिटल से। मैं बोली वो हॉस्पिटल से तो ठीक हो गए लोग आते हैं, इसका हालत ऐसे कैसे हो गई? सब लोग बोले नहीं, वो पॉइजन का असर तो रहेगा, उसको कमज़ोर कर दिया अंदर ही अंदर, उस पाइप वगैरह डाल के और भी कमज़ोर कर दिया, अभी ठीक होने के लिए उसको टाइम लगेगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसे करके 2 दिन ऐसे हो गया। होने के बाद हम वो खाना पीना छोड़ दिया, वो हम नोटिस किए वो खाना पीना छोड़ दिया, वो अजीब हरकत कर रहा था, जोर जोर से हंसना, विदाउट रीजन में हंसना, बहुत सारे बातें करना, बहुत सारे सवाल का जवाब देना, हुमायूं अकबर वो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे बोलते थे, ये हुआ वो हुआ, ये महीना में ये हुआ, ये साल में ये हुआ, ऐसे बोल रहे थे, इंग्लिश में ग्रामर बोल रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी, इंग्लिश में बात कर रही थी। सब लोग गांव वाले देखने के लिए आ रहे थे, बोले नहीं वो ब्रिलियंट हो जाएगा। हाँ, हमारे गांव में ऐसे था एक लड़का, वो जहर खा लिया था, उसके बाद वो ऐसे ब्रिलियंट हो गया, ऐसे बोले। हम सोचे शायद हमारी तकदीर खुल गई क्या, वो इतने तकलीफ दिया भगवान, उसके बाद शायद ये हमारे लिए अच्छा होगा, शायद वो ब्रिलियंट हो जाएगी, हम ऐसे सोच रहे थे। लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी, उसको कुछ होश ही नहीं रह रहा था, वो ड्रेस में मोशन कर देती थी, यूरिन कर लेती थी, सब कुछ कर देती थी। हम सोचे हॉस्पिटल से आने के बाद उसको तो थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, उसको तो ज़्यादा हो रहा है। हम बड़े टेंशन में थे, सारे गांव वाले के बोल रहे थे नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, वो वही असर है और कुछ नहीं है। हम सोच रहे थे शायद वो पागल हो गई, या तो पागल हो जाएगी या तो ऐसे ऐसे हो के मर जाएगी। वो खाना भी नहीं खा पा रही थी, वो उसको खाना खाने से वोमिट हो जाता था, वो खाना ऐसे करके 2 दिन में खाना फुल छोड़ दिए थे। ऐसे करके 2 दिन जब कंप्लीट हो गया, उसको रात को सीरियस कंडीशन हो गया, मतलब वो बोल रही थी मेरे आँखें पकड़ो, वो मोमेंट मुझे याद आ रहा है, बोल रहे उसका आँखें बंद हो जाता था, बोल रहा था मम्मी मेरे आँखें ऐसे ओपन करके रखो, नहीं तो आँखें बंद हो जाएगा तो फिर मैं मर जाऊँगी, मुझे मेरे आँखें कंट्रोल नहीं हो रहा है, बंद हो जा रहे, ऐसे बंद हो जाएगा तो फिर मैं कभी ओपन नहीं कर पाऊँगी, मैं ऐसे आँखें बंद करके मर जाऊँगी, मुझे ऐसे फील हो रहा है मैं मर जाऊँगी, ऐसे बोल रहा था। हम उसको आँखें पकड़ के रखे हुए थे, वो रो रहा था हमारे आँखें पकड़ो, हमारे आँखें पकड़ो, बंद हो रहा है, बंद हो रहे। हम ऐसे आँखें पकड़ते पकड़ते ही उसकी आँखें बंद हो गई, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम बातें करते, उसके बाद वो हूँ हाँ ऐसे करने लगा, बात भी मतलब बंद कर लिया। हम गाड़ी निकाल के फटाफट उसको हॉस्पिटल लेने के लिए रेडी हो गए। हमारे पूजा के घर जो था, भगवान के पूजा के घर, मेरी मम्मी, हम सारे लोग उसको पकड़े हुए थे, वो खड़े तो नहीं हो पा रही थी, वो ऐसे ऐसे कर रही थी, वो स्ट्रेट उसका गला मतलब नहीं रह रहा था। हम उसको, मेरी मम्मी दो हाथ ऐसे करके बोले, बोलो भगवान हमको, हम अपने पैर से जा रहे, चल के अपने पैर से आएंगे, हमको ऐसे ठीक कर दो। वो बहुत कोशिश कर रही थी बोलने की, थोड़ी बोली लेकिन कंप्लीट भी नहीं कर पाई वो, उसके बाद वो साइलेंट हो गई। हम बहुत रोने लगे, सोचे शायद आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बहुत रोए हम, हमको मतलब अकेले छोड़ के सारे लोग चले गए हॉस्पिटल। तब मेरी दादी माँ थी, लेकिन वो पेशेंट थी, पैरालिस पेशेंट थी, वो एक दूसरे कमरे में रहती थी, मैं दूसरे कमरे में सोती थी, और सारे लोग चले गए। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, मैं क्यों उसको इतना टर्चर की, पढ़ाई करो, जान है तो जान है, इस बार नहीं तो दूसरी बार तो वो कर लेती। मैंने बड़ी बहनों के उसको मतलब इतना पेशेंस नहीं दिया, उसको इतना पेशेंस तो रखना चाहिए, इतना हिम्मत तो उसको नहीं दी मैं मेरी वजह से वो जहर खा ली, मेरी वजह से वो आज शायद मर जाएगी, शायद वो वापस नहीं आएगी, नहीं तो वो बात भी तो कंप्लीट कर लेती, भगवान भी नहीं चाहते वो सारे बात कंप्लीट करके जाए, क्योंकि वो वापस शायद नहीं आएगी। ऐसे करके मैं रो रही थी, खाना पीना कुछ नहीं खा रही थी, वो चले गए। हम फोन करके पूछ रहे थे कैसा हालत है, सब लोग बोल रहे थे कुछ भी अच्छा नहीं है, उसको और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ रहा है, पता नहीं क्या होगा। रात हो गया, उल है ना,
सबका ये मानना कि मतलब वो अपशगुन होता है जब आवाज़ निकालते हैं घर में किसी की ना किसी के मौत हो जाता है। हम नोटिस किए कि रात भर एक वो लगे हमारे घर के ऊपर बैठ के मतलब आवाज़ निकाल रहा था। हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब यम आया है हमारे घर से, उसको उठा के लेके जाएगी मेरी बहन को। हम बहुत रो रहे थे, उसको दूर भेजने की कोशिश कर रहे थे, उसको कुछ ना कुछ फेंक के उसको दूर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जा रहा था, बार बार आ रहा था, वापस आ रहा था। ऐसे करके वो सुबह हो गई, उसके बाद थोड़ा उसको तबीयत थोड़ा अच्छा होने लगा, फाइनली वो अच्छे होके घर आ गई। ऐसे उसको एक साल फुल लग गया उसको ठीक होने के लिए, आज भी वो अच्छे हैं। कहने का मतलब ये कभी गलत डिसीजन नहीं लेना, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, ट्राई करते रहना, कोशिश करते रहना, कभी हार नहीं मानना, मतलब वक्त का प्रॉपर यूटिलाइज करना। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।